नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बारे में। हमारे दोस्तों ने कुछ कमेंट्स करके हमसे बोला कि हिंदी साहित्य की वीडियो अपलोड कराई जाए। दोस्तों ये रही आपके हिंदी साहित्य की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन थे? काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? दोस्तों आपको ऑप्शन है मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रेशन, शिव सिंह सेंगर या ग्रासा दा तासी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सोच लिया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? है ना, हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है आर शुक्ला, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोला शंकर व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याख्याताओं का काल किसने कहा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, और इसका ऑप्शन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या आर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो आपको ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वामश्रेय या किशोरी लाल गुप्त, लक्ष्मी नारायण लाल या राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दिव्य प्रबंधन किसके पादों का संकलन है? ठीक है ना, तो दिव्य प्रबंधन किसके पादों का संकलन है दोस्तों? आपका ऑप्शन है नयनार भक्त, अलवार भक्त, रामानंद या रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलवार भक्त। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे, तो कौन कौन से धर्म थे दो दोस्तों? आपका ऑप्शन है बौद्ध और शैव, हिंदू और जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि शाक्त संप्रदाय की दो प्रमुख धाराएं हैं, तो शाक्त संप्रदाय की दो प्रमुख धारा कौन सी है? आपका ऑप्शन है सगुण व निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा दोस्तों कि काहे री लालिनी तू कुम्हलानी, इस पंक्ति है क्या, किसकी पंक्ति है दोस्तों? गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर या हरिदास निरंजनी। तो किसकी पंक्ति लिखी गई है दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन गीत गोविंद का या भागवत पुराण या ब्रह्मचरित या मेघदूत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन देव, ग्वाल, जसवंत या मतिराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत।
ठीक है, भाषा भूषण के रचयिता जसवंत है। नेक्स्ट आता है, अमी हलाहल रस भरे श्वाम श्वेत रतनार, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, आपको ऑप्शन बिहारी, रसलीन, मतिराम या पद्माकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी, इसका राइट आंसर हो जाए रसलीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि फीको पै नीको लगे कहिए समय विचार, पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, आपको ऑप्शन बृंद कवि, ग्वाल, बिहारी या आलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृंद कवि। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। ठीक है, इस पंक्ति के कवि कौन है दोस्तों? आपको ऑप्शन बिहारी, केशव, घनानंद या पद्माकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बिहारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? ठीक है, आपको ऑप्शन अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक, नायिका भेद या सर्वांग निरूपक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नायिका भेद। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, घनानंद को अमर करने वाली रचना है। तो घनानंद को कौन सी रचना अमर करती दोस्तों? सुजान चरित, सुजान सागर, कवित संग्रह, सुजान संग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुजान सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हमको ये टॉपिक का वीडियो प्राप्त करवाइए। तो दोस्तों हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अर्थात नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।